हेलो एवरी वन अब वेरी चेयर फु गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज राहुल मीना वेलकम योर इन दिस लाइव सेशन ऑफ आटर ट्वेंटी फोर सेवन सो दोस्तों आई होप आप सभी की आर बी ग्रेड बी की प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर चल रही होगी है ना अब देखिए इस प्रिपरेशन जर्नी में ना कभी कभी थोड़े से उतार चढ़ाव आते रहते हैं हमारी लाइफ में है ना या फिर अपनी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है है ना कभी कभी सोचते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा हमसे हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा ठीक है सो so, ये बीच बीच में जो इस तरह के सेशनस से हम लोग लेके आते हैं ना इनका मोटिव सिर्फ इतना सा रहता है कि भाई आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो एक तरह से राइट ठीक है आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देना ज़रूरी हो ही जाता है किसी ना किसी तरह से ठीक है तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा शॉर्ट वीडियो रहेगा आप लोगों का जल्दी जल्दी जल्द से हम इसको फिनिश करेंगे स्टार्ट करेंगे ठीक है सो दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में हमें डिस्कशन करना है यहाँ पर बेसिकली और वो कुछ चीज़ें क्या हैं बेसिकली कि भाई ट्रेनिंग पोस्टिंग ट्रांसफर प्रमोशंस कैसे क्या है सर इसके अंदर है ना चलिए सो so, दोस्तों सबसे पहली चीज कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो वीडियोज हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अगर कर, कर रहे हैं सो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि इस एप्लीकेशन पर काफी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आप सभी को आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें यहाँ पर फ्री मिलती है है ना चलिए दोस्तों सो so, कुछ पॉइंट्स और आज के सेशन का जो मेन एजेंडा है वो इनके बारे में डिस्कशन करना है कि भाई आर बी ग्रेड बी की पोस्टिंग्स को लेकर ट्रांसफर्स को लेकर सर कब कब ट्रांसफर हो जाते हैं एक सिटी में हमें कितने टाइम तक काम करने को मिलेगा बेसिकली है ना उसके अलावा प्रमोशंस कहाँ तक जा सकते हैं मेनली हम लोग और ट्रेनिंग है ना सो दोस्तों देखो छोटा छोटा रखेंगे अपन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ तो देखो ट्रेनिंग है ना क्योंकि जब हम आर बी ग्रेड बी पर पहुंचते हैं इन सारे स्टेप्स के बाद में जैसे आपका फेज वन निकला फेज टू निकला इंटरव्यू निकला बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन आपका हुआ बेसिकली ठीक है और डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ध्यान रखिएगा अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे पहले से रेडी करके रखें है ना मतलब ठीक है लास्ट टाइम पर भी अगर कुछ करेक्शन होता है तो वो आपको एविटिफिट बनवाना पड़ता है अलग से और फिर वो चीज़ें हो जाती है टाइम मिलता आप लोगों को लेकिन पहले से सतर्क करो क्या दिक्कत है उसमें है ना तो दोस्तों जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली ये रिक्वायर्ड होती है आप लोगों को है ना और ट्रेनिंग पीरियड जो है ना मतलब काफ़ी बढ़िया रहता है आर बी आई की आर बी आई का भी काफ़ी बढ़िया जो है ट्रेनिंग पीरियड रहता है आप उसको अच्छे से इंजॉय करोगे बेसिकली राइट क्योंकि देखिए हमने एग्जामिनेशन क्लियर किया है उसके बाद में हमें काफ़ी सारी वहाँ का जो वर्क होता है जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ के आपको काम नहीं आते हैं है ना तो आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है पूरी तरह से आपको हर काम को सिखाया जाता है आर बी आई के बारे में और भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको जानने को मिलती हैं ठीक है सो ट्रेनिंग सर कहाँ कहाँ होती है हम लोगों की सो देखिए एक तो जो ट्रेनिंग है बेसिकली है ना ये ट्रेनिंग मेन चीज़ आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कराई जाती है ना और आपको और थोड़ा सा जो भी चीज़ आपने सीखी उसको और थोड़ा सा तराशने के लिए ये ट्रेनिंग करवाई जाती है और जरूरी होती है दोस्तों क्योंकि आप एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले तो आपको काम करना आना चाहिए वहाँ पर आपने भी एग्जामिनेशन निकाला लेकिन आपको काम करना नहीं आता वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस नहीं बेसिकली तो इसलिए ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए ठीक है सो दोस्तों देखो सबसे पहली चीज़ तो कि जो आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है जस्ट अ मिनट है ना हाँ जी सो एम यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली है ना जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है है ना तो एम यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर आपकी मान के चलो चार वीक की ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर आपको कराया जाता है ठीक है जिसके अंदर मतलब आपको और भी चीज़ें जो है सिखाई जाती है आरबीआई के बारे में राइट तो काफी सारी चीज़ें मतलब जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से जाने वाले लोग रहते हैं उन सभी की ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है मेरे स्टार्टिंग में तो राइट ठीक है और ये कहाँ पर है नोएडा उत्तर प्रदेश में है मतलब चार वीक की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है मतलब चार वीक का इंडक्शन प्रोग्राम बोल दो ट्रेनिंग प्रोग्राम बोल दो जिसके अंदर हमें काफी सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलती है अरबी की रिगार्डिंग वो सब चीज़ें रहती है ठीक है साथ साथ ही दोस्तों इसके बाद में आ, आप देख सकते हो कि जो आपकी दूसरी ट्रेनिंग होती है एक तरह से है ना वो रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज यहाँ पर आपकी कराई जाती है ठीक है यहाँ पर मतलब कैपेसिटी जो है हंड्रेड वन ट्वेंटी अराउंड रहती और इसके अलावा अदर अदर ट्रेनिंग सेंटर्स भी वहां पर भी कराई जाती है बेसिकली तो यहाँ पर दोस्तों आपकी ना फिफ्टीन वीक की ट्रेनिंग होती है बेसिकली कितनी 15 वीक की पंद्रह वीक की ट्रेनिंग आपकी यहाँ कराई जाती है बेसिकली है ना काफी अच्छा टाइम पीरियड रहता है जिस जिसको बिल्कुल एंजॉय करेंगे आप लोग क्लियर और दोस्तों आई थिंक आपको एक चीज़ पता ही होगी जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो आपका दो साल का होता है तो इस प्रोबेशन पीरियड में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने को मिलता है अलग अलग तरह की चीजें सीखने को मिलती है है ना और ऐसा कुछ नहीं कि इस ट्रेनिंग ड्यूरेशन में आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी है ना कई सारे बच्चों के दिमाग में आ जाती होगी चीज़ कि सर ये तो ट्रेनिंग पीरियड है क्या हमें सैलरी मिलेगी ये तो प्रोविजन पीरियड है तो ऐसा कुछ नहीं है जो भी सैलरी आपकी फिक्स्ड की गई है स्टार्टिंग में जो भी सैलरी आपकी है एक तरह से वो सैलरी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी है? है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बेसिकली ठीक है तो ये रहेगा दोस्तों अब इसके बाद में थोड़ा और अगर आगे चले हम लोग है ना इसके बाद में थोड़ा सा आगे अगर चले कुछ और पॉइंट्स के बारे में तो दोस्तों नो no डाउट कि हमें करियर को लेकर थोड़ी चिंता रहती है कि सर अगर हमने ग्रीड बी के तौर पर ज्वाइन किया तो कितनी सारा करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखो करियर अपॉर्चुनिटी दोस्तों आर बी आई में ढेर सारी है राइट और आप लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से कई कई सारे पायदान पर पहुँच सकते हो बेसिकली ठीक है क्योंकि देखिए शुरुआती जो शुरुआत होगी आप लोगों की वो आप लोग कहाँ से करोगे वैसे तो देखो आपने देखा आपको पता होगा कि आरबी असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन निकलता है उसकी भी एग्जामिनेशन होती है लेकिन आप लोग क्या करोगे अभी ग्रेड बी के तौर पर ज्वाइन करोगे जो कि मैनेजर पोस्ट है है ना आप ग्रेड बी पर ज्वाइन करोगे बेसिकली फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर डेप्यूटी जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर चीफ जनरल मैनेजर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर है ना उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो ज़्यादातर लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक मेनली जा सकते हैं है ना और भाई आप लोग अगर थोड़ा अगर कम हो एज में अगर ज्वाइन कर लिया तो और भी ऊपर जा सकते हैं आप लोग ठीक है मतलब ऊपर वाले चांस थोड़े से कम ही रहते हैं क्योंकि थर्टीज़ के बाद ही मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं बेसिकली तो डेपुटी गवर्नर और गवर्नर की पोस्ट रहती है इस तरह से ठीक है अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो प्रमोशन्स होते हैं ना आर के अंदर वो स्लो होते हैं यार कंपेयर टू तो अगर आप बात कर ले सी की या फिर नाबार्ड की वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनमें प्रमोशन के चांसेस ना ज्यादा होते हैं जल्दी जल्दी होते हैं प्रमोशंस लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि प्रमोशन थोड़े ज्यादा स्लो है है ना तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो पाँच से छः साल के अंदर आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू आपके प्रमोशंस कराए जाते हैं है ना और ग्रेड बी से सी तक जाने में ग्रेड बी से सी सी तक जाने में कई बार सात से आठ साल भी लग सकते हैं सेवन टू एट ईयर्स भी लग जाते हैं मतलब काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है इसके अंदर प्रमोशन को लेकर ठीक है तो इसके लिए पहले से आप थोड़ी सी अपना माइंड सेट बना के रखिएगा राइट ये इस तरह का पूरा का पूरा करियर पाथ है आप लोग को गवर्नर तक का पूरा करियर पाथ है बेसिकली है ना और आई थिंक आप लोग ए, एक बात और क्लियरली बता दें कि अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट तक नहीं गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं जाते हैं आप लोग और थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे तो ये तो है कि चीफ जनरल मैनेजर

है ना और इसके अलावा भी दोस्तों ये तो सिर्फ अभी पोस्ट वाली बात है कि भाई हाँ यहाँ ये करियर पाथ रहने वाला है इसके साथ साथ ही आरबी कई सारी करियर अपॉर्चुनिटी आपको वैसे भी प्रोवाइड करता है है ना बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी रहती है जैसे मान लो आपको अगर स्टडी करनी है कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी आपको फर्दर आपको स्टडी अगर करनी है, है ना अपनी स्किल्स को और बेहतर करने के लिए तो आरबी उसके लिए आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है

क्योंकि होम सिकनेस कई सारे लोगों में होती है राइट लेकिन दोस्तों एक बात से निश्चिंत रहो कि यार यार्वाइन करो आरबी ग्रीड बी के तौर पर आप ज्वाइन करने वाले हो तो फिर उस चीज को लेकर ज्यादा सोच नहीं मत कि होम पोस्टिंग मिलती है नहीं मिलती है मैटर लेकिन देखो होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस जीरो ही होते हैं एक तरह से है ना आप लोग सीधे सीधे यही मान के चलो कि होम पोस्टिंग आपको मिलना ही नहीं लेकिन फिर भी आपने मतलब जो जितना भी आपका टाइम पीरियड रहेगा हो सकता है कि आपको एक बार पूरे अपने लेकिन दोस्तों बाकी आपकी जो पोस्टिंग है ना काफी अच्छी अच्छी जगह होती है पोस्टिंग्स की बात कर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई ग्रेड बी की जो ऑफिस है वहीं तो पोस्टिंग होगी ना आपकी जिसमें मेट्रो सिटीज और स्टेट कैपिटल्स तो जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं मेट्रो सिटीज वहीं पर आपकी पोस्टिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना किसी रूरल एरिया में आपके पोस्टिंग हो जाएगी तो इसलिए आप लोग ज्यादा मत सोचो कि सोचोगे पोस्टिंग कहाँ होगी तो स्टेट कैपिटल्स या फिर मेट्रो सिटीज में आपकी पोस्टिंग होती है दोस्तों है ना अब उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर बात कर लें कि सर आ, ये सारे के सारे जॉब लोकेशन आपके हो सकते हैं है ना शुरुआती जो पोस्टिंग होती है आप लोगों की जो शुरुआती पोस्टिंग होती है दोस्तों है ना जैसे हमने कहा कि जो होम पोस्टिंग है उसके तो जीरो चांसेस आप लोगों के ठीक है अब शुरुआती पोस्टिंग की अगर बात कर लें तो शुरुआती पोस्टिंग आपको दोस्तों मुंबई में मिलती है है ना कि इनिशियल पोस्टिंग जो रहती थी उसके मैक्सिमम चांसेस आपके होते हैं कि भाई इनिशियल पोस्टिंग जो है आपकी मुंबई में ही कराई जाती है आर बी आर बी ग्रेड बी के तौर पे आपको इनिशियल पोस्टिंग जो है वो मुंबई के अंदर ही प्रोवाइड कराई जाती है ठीक है अगर फर्स्ट इनिशियल फेज में अगर आपको आर बी ग्रेड बी ने मुंबई में पोस्टिंग नहीं दी तो ये मान के चले कि जो आपकी सेकेंड पोस्टिंग होगी वो एनी हाउ आपकी मुंबई में कराई जाएगी है ना और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों राइट right? इस सिटी के अंदर बहुत कुछ सीखने सीखने को को मिलेगा मिलेगा पर इस ऑफिस में के अंदर बहुत कुछ आपको राइट right? जितनी छोटी जगह जाओगे जाओ तो ये चीज आप लेकर चलो आसान उसके साथ से दो दोस्तों जिसमें, आ, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते रहे ट्रांसफर्स को लेकर क्या, क्या देखो नो डाउट की ट्रांसफर्स कुछ बच्चों के लिए मतलब कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा पेनफुल वाला काम रहता है क्योंकि एक जगह स्टेबल हो जाना और एक जगह से स्टेबिलिटी के बाद में फिर किसी दूसरी जगह वापस से शुरुआत से शुरू करना बड़ा मुश्किल काम रहता है लेकिन दो डोंट वरी आरबीओ के लिए आपको सारे के सारी मतलब रेमोसमेंट प्रोवाइड करता है पूरी तरह से ट्रांसफर वाले हर चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाती है है ना काफ़ी सारी फैसिलिटी वो देते हैं इसमें सो देखिए अगर आप लोग मुंबई में अगर पोस्टेड होते हो है ना मुंबई में पोस्टेड होते हूँ तो ये मान के चलो कि दस से बारह साल के बाद ही आपके ट्रांसफ़र होने हैं अगर मुंबई में आपकी पोस्टिंग होगी इनिशियल पोस्टिंग तो वहां से तो दस से बारह साल के बाद ही आप पोस्ट होगी किसी दूसरी जगह पर ठीक है लेकिन अगर मुंबई से के अलावा कहीं और पोस्टिंग आप लोगों की तो मान के चलो कि पाँच से छः साल के अंदर आपके ट्रांसफर कर ही दिए जाएंगे पाँच से छः साल के अंदर आपके ट्रांसफर करा दिए जाएंगे है ना अच्छा ट्रांसफर का भी ऐसा रहता है कि कुछ कुछ केसेस में आपके ट्रांसफर मतलब रोक भी दिए जा सकते हैं है ना लेकिन रेयर रेयरेस्ट केसेस में है ना जैसे स्पॉस इन आर एट अदर लोकेशन तो ये एक रीज़न बन सकता है आप लोगों का ठीक है अदर केसेस कौन कौन से हो गए आपके पास में सिंगल पेरेंट सिंगल पेरेंट वाले हो गए आपके पास में है ना इस इन गवर्नमेंट जॉब वाला पार्ट हो गया एक तरह से है ना और हेल्थ इशू हेल्थ इशू किसमें फैमिली में है ना कि भाई आप सिंगल हैं और आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का हेल्थ इशू है तो ये चीज़ें मतलब कभी कभी कंसिडर की जा सकती है मतलब आप अपने पॉइंट्स तो रख ही सकते हो अब वो कंसिड्रेशन करें या फिर ना करें और बट मोस्ट मोस्टली वो क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है ठीक है कि रिक्वायरमेंट क्या है उस टाइम पर राइट right. और अगर इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट बनेगी तो फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा लेकिन कोशिश करते हैं वो लोग भी कि हाँ भाई अगर इस तरह की कुछ चीजें तो उसको पहले आप देखा जाए क्योंकि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो अपने एम्प्लॉयज़ का पूरी तरह से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से राइट right? अब कुछ कुछ केसेस इस तरह से हो जाते हैं कि वो कुछ चाह कर भी नहीं कर पाते हैं है ना ठीक है तो वो केस वहाँ पर भी बन जाता है तो ये चीज़ें आप लोग तो ध्यान रखें अच्छे से राइट ठीक है सो दोस्तों जैसा आपसे कहा गया है कि यार देखो आपका जो आर करियर रहेगा पूरा पैंतीस तीस से पैंतीस साल का जो आरबी करियर करी रहेगा पूरी तरह से उसमें कम से कम पाँच से छः बार आपके ट्रांसफर पॉसिबल है पाँच से छः बार आपके ट्रांसफर दोस्तों पॉसिबल रहेंगे ठीक है तो इसको लेकर आप लोग पहले से अपनी प्लानिंग करके चलिएगा राइट ठीक है और बाकी तो फिर वही चीज़ें हैं मेंशन यहाँ पर कि भाई यू मे सर्व वन टर्म ऑफ फाइव ईयर्स इन योर होम स्टेट ये पॉसिबिलिटी बनती है मतलब है एक तरह से कि पूरे इंटायर करियर में आपको कम से कम एक बार अपने होम स्टेट में काम करने का मौका मिल सकता है ठीक है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है ठीक है तो दोनों चीजें हैं लेकिन हाँ पॉजिटिविटी लेके चलने की हाँ भाई अपने को होम स्टेड में काम करने का मौका मिलेगा लेकिन यार देखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें काम करना है कहीं पर भी काम करना है दैट्स इट है ना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ज्वाइन करेंगे दैट्स इट है ना चलिए तो दोस्तों यही सारी की सारी चीजें थी है ना तो आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर है और जैसा हमने कहा था कि बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे है ना तो आपको पता है ट्रेनिंग उसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटीज में काफी सारी है ट्रांसफर्स है ना उसके अलावा पोस्टिंग्स को लेकर तो वही चीजें आप उसके से डिस्कस करी तो निश्चिंत होकर अपनी प्रिपरेशन करो और इन सब चीज़ों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है क्लियर है तो कहीं पर भी पोस्टिंग मिलेगी बढ़िया जॉब करोगे आप लोग यार आर बी आई बी के अंदर जाने के बाद ना एक अलग फीलिंग रहती है दोस्त ठीक है सो अब लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कि आर बी आई बी की प्रिपरेशन करने वाला है है ना आर बी आई बी की प्रिपरेशन बेसिकली करने वाला है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप अगर चाहो तो बैंक वहां पर एक प्लस है 24 का पैकेज जिसमें आप इंडलमेंट कर सकते हो क्योंकि ये अभी नाबार्ड भी आ गया है आरबीआई ग्रेड भी, भी आपके सामने है और बैंकिंग के अदर एग्जामिनेशन भी है तो आप चाहो तो इसमें इंडोल कर सकते हो बाईजिंग सिंपल रेफरल कोड विच इज वाई सेवन वन जीरो इसको यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों किसी भी पेड बैच में है ना

फेज़ वन की प्रिपरेशन आपकी इसमें वैसे भी कराई जा रही है है ना हम लोग अभी पी वाई की उसको डिस्कशन करें और धीरे धीरे फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जैसे जैसे आरबी ग्रेड भी, भी पूछ सकते हैं हर चीज़ का डिस्कशन होगा इस पूरे सेशन में है ना वाई पर भी काफी सारे से, से, सेशन हम लोग फ्री में लेके आएंगे और आपके लिए हमने भी कुछ एक बड़ा प्लान किया वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाई के ऊपर क्लियर उसको आपको मतलब जल्दी ही आपको उसको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा साथ साथ ही पेड बिचेस भी आप लोग के दोस्तों तो दोनों चीज़ आपके पास है दोनों के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करिए सो विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प बाय टेक केयर